नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के बजट 2023 में डग विधानसभा भवन मंडी को लेकर सड़कों को लेकर बड़ी सौगात मिली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा में लगभग 50 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनेगी, जिसमें भवन मंडी रेलवे स्टेशन से लेकर SDM चौराहा जो कि मुख्य मार्ग है 2.5 किलोमीटर वो 9.5 करोड़ की लागत से, और चौमेला बाईपास रोड 3.5 किलोमीटर का 18.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत हो चुका है, जिसकी 7 मार्च को निविदा प्रकाशित कर होगी। वहीं समीपवर्ती राजगढ़ से मिश्रौली झीझनी तक 9.5 करोड़ और 20 करोड़ भवानीमंडी नगर पालिका को शहरी सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए। साथ ही 10 करोड़ का अतिरिक्त बजट नॉन पेजबल मिसिंग लेन सड़कों के लिए दिया गया है, जिनको जिला स्तरीय मीटिंग के बाद भी सुनिश्चित किया जाएगा। क्षेत्र में एक शहरी सड़क 2.5 किलोमीटर की जो SDM तिराहे से लेकर स्टेशन तक है 9.5 करोड़ की लागत से, इसकी सेंक्शन प्राप्त हुई है जिले के जो 5 स्पेशल कार रहे हैं उसमें, और एक राजगढ़ से झिंझनी होते हुए मिश्रौली तक सड़क 10 किलोमीटर की 10 करोड़ रुपए की पास हुई है। भवानी मंडी जो SDM चौराहे से लेकर स्टेशन तक जो है वो कब उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो बजट में शामिल होगा? उसकी टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्द चालू हो जाएगी, 7 मार्च तक उसकी निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी और अप्रैल के महीने में पूरा CC रोड बनेगा। हाँ, वो जो भी अतिक्रमण चिन्हित करके वो हटाए जाएंगे और पूरी चौड़ाई में CC रोड बनेगा। और 10 करोड़ जो दिए हैं विधानसभा को उसमें क्या क्या काम है? 10 करोड़ सड़कों में नॉन पेजेबल सड़कें और जो कुछ महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक सड़कें हैं वो ली जाएगी, तो वो जिला स्तरीय कमेटी से डिसाइड होके 28 तारीख के बाद ही सड़कें फाइनल हो पाएगी। उदाखेड़ी वाला जो रोड है सर, क्योंकि समीपवर्ती उदाखेड़ी है, माता जी का मंदिर एक पर्यटन है, उसके रोड की कब तक बनने की धीमी गति वो काफी रही उसकी? हाँ, वो कार्य थोड़ा स्टार्टिंग में धीमी गति चला, उसको मिट्टी की दिक्कत आई, कुछ अतिक्रमण थे उनकी दिक्कत आई, पर अब काम काफी स्पीड से चल रहा है और ये काम हम जून तक कम्प्लीट कर देंगे। समय तक का कार्य कम्प्लीट करने की दिनांक वैसे 12/8/2023 है, पर इसको उससे पहले ही पूरा कर दिया जाएगा। सर, जैसे बताया आपने राजगढ़ और मिश्रौली वाला जो है, हाँ, वो भी हम इसमें बजट में आ चुका है, उसको भी बनाएंगे, तो कितना किलोमीटर का टुकड़ा है वो? 6.2 किलोमीटर का टुकड़ा है जिसको उसका 10 करोड़ रुपए की लागत है। हाँ, और भवानी मंडी नगर पालिका के भी कुछ काम चल रहे हैं आपके विकास, कितने काम है सर अभी? भवानी मंडी के 2022-23 के बजट घोषणा के 18 काम है। सूचना प्रौद्योगिकी के व संचार विभाग द्वारा 19-20-21 मार्च 2023 को सैफपुर में मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 400 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है। यह कंपनियां महाविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार प्रदान करेगी। ये जानकारी राजकीय बिरला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने दी। डग थाना क्षेत्र के गांव उमरिया में कल देर रात युवक पर 2 लोगों ने लाठियों से किया घातक हमला, शरीर के 8 स्थानों पर आई गंभीर चोटें। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि उमरिया निवासी युवक बबलू लाल पिता शिवलाल उम्र 35 वर्ष को गांव के ही मुकेश एवं अन्य साथी ने लाठियों से बड़ी ही बेरहमी से पीटा, जिनके पास तलवार भी थी। घायल युवक बबलू के सिर, आंख, कमर सहित कुल 8 स्थानों पर गंभीर चोट आई है। डग पुलिस ने मामले को विभिन्न धाराओं में दर्ज कर घायल युवक का मेडिकल करवाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। झालावाड़ राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अदीप अंसारी द्वारा निक्षय कवच योजना के अंतर्गत दवा प्रतिरोधी TB मरीजों को AIC किट, रेस्पिटम कंटेनर, फिनाइल मास्क वितरित किए गए, ताकि जिन मरीजों का उपचार चल रहा है उनके घर के सदस्यों को संक्रमण से बचाया जा सके। इस दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक वीरेंद्र सिंह झाला, TRP कोऑर्डिनेटर सन्नू बाला पाटीरा ने मरीजों को TB रोग के प्रति जागरूक किया।
झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में झालावाड़ रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने सभी नवीन सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जिले में आप सभी के सहयोग से जिला शाखा प्रबंध समिति का गठन कर सोसाइटी के सिद्धांतों पर चलते हुए मान्य पीड़ा का निवारण उपशमन की दिशा में करते हुए मानव जीवन स्वास्थ्य पर आपसी सामंजस्य से मानव कल्याण का कार्य करेंगे। कामकेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ौदा से विवाहित दो वर्षों से लापता विवाहिता का अभी तक पुलिस ने नहीं कर पाई तलाश। पति दो बच्चों को लेकर लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से फरियाद लगा रहा। फरियाद बड़ौदा निवासी प्रेमचंद पुत्र कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि उसकी पत्नी सीमाबाई 4 दिसंबर 2020 को खेत पर देख रेख करने गई हुई थी, वहाँ से वह वापस नहीं लौटी। इस पर कामकेड़ा थाने में मामला दर्ज कराने की लिखित शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखकर विवाहिता के भाई सैरी निवासी राहुल पुत्र पूरी लाल मीणा की ओर से कामखेड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी कामखेड़ा थाना जांच अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस में मामला दर्ज करा? पुलिस में रिपोर्ट करने गया था, मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, रिपोर्ट भी लिखी थी, वहाँ का रखा गायब कर दिया रिपोर्ट को, मेरे साला की तरफ से रिपोर्ट लगा रही थी। फिर उसके बावजूद में मैं सब हर जगह घूम चक्कर काट रहा हूँ, थाना का बार बार आते हूँ, कोई भी जानकारी न मिलती है। क्या कहता है? ये कहता है कि मेरी तनख्वाह तुम्हारी, मेरी जेब की तनख्वाह तुम्हारा लगाऊँ क्या, अगर पैसे मांगता हूँ। कौन मांगता है पैसा? बाबूलाल। तो तलाश भी नहीं कर रहा है? नहीं करते, जा रही है नहीं करता उनका, मेरे को तो गाली गलौज करता हूँ, मेरे साथ माँ बहन भी गाली देते हैं। तो आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की? नहीं थी ना, मैंने एस बी ऑफिस में दे दी, झालावाड़ कलेक्टर को दे दी, डिप्टी साहब को दे दी, एआईजी डीआईजी को दे दी मैंने, तब भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं अभी तक, फिर जेब पर्चा की दे दी मैंने। तो जांच अधिकारी ढूंढने गए कि नहीं गए आपकी पत्नी? नहीं जी सर, जाँच मेरे को बुलाते वहाँ पर, यहाँ जाना तो मैं झालावाड़ चल गया, झालावाड़ से फोन किया मैंने, कहा आप कहाँ बुला रहा, मेरे को तो दिल्ली आ जा, दिल्ली चल गया मैं, दिल्ली से उठा तो मैंने फोन किया रिटर्न मधुबान की, जयपुर आ जा, जयपुर चल गया, जयपुर से पता ऑफिस फोन किया मेरे को, मिलो कहाँ आप, तो वहाँ से बोली कि तुम ऐसे करोगे उदयपुर आ जाना, उदयपुर चल गया मैं, उदयपुर से भी फोन किया पाता मैंने, आप कहाँ मिलोगे, आप मिलो तो सही मेरे को, मैं चक्कर काट रहा हूँ, तो भीलवाड़ा आ जाना, भीलवाड़ा चल गया मैं, भीलवाड़ा से फोन किया तो कोटा फोन बोला, कोटा से फिर वापिस घर आ गया मैं, तो कहीं भी नहीं मिल पाया मेरे को। मतलब जाँच अधिकारी काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी यह मांग है कि जांच अधिकारी कोई दूसरा तालुक की जाए। मंदसौर, विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब योजना पर कार्य शुरू करते हुए प्रत्येक जिले में महिलाओं का बैंक खाता सहित अन्य आवश्यक जानकारी जुटाने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी कई कर्मचारी द्वारा शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें मंदसौर शहर के वार्ड नंबर क्रमांक 36 की है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर महिलाओं की जानकारी जुटा रही है तथा उन्हें योजना की जानकारी भी दे रही है। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को उनके बैंक खातों में प्रति माह आप 1,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। मंदसौर जिले के 5 विकास खंड के सभी जन शिक्षा केंद्रों से चयनित कक्षा 2 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों की ओलंपियाड परीक्षा गुरुवार को जिला मुख्यालय मंदसौर पर आयोजित हुई। मंदसौर शहर में परीक्षा को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई नूतन स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय को केंद्र बनाया गया है। यहाँ सुबह 11 से 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। सैकड़ों बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। जिला स्तरीय परीक्षा में चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय परियोजना में भागीदारी करेंगे। मंदसौर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की है, जहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को जांच के बाद प्रवेश दिया गया। शहर के नूतन विद्यालय में प्राथमिक शाला 2 से 5 तक के बच्चों की परीक्षा आयोजित हुई, तो वहीं महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट विद्यालय में माध्यमिक शाला के 6 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा आयोजित संपन्न हुई। मंदसौर जिला स्तरीय रोजगार मेला मंदसौर शहर के कुशाभा ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन महितपुर में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कुशाभा ठाकरे ऑडिटोरियम में देखा और सुना भी गया। मंदसौर शहर में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार मेले में 69,633 हितग्राहियों को 4 अरब
77,85,55,000 की राशि का हित लाभ हितग्राहियों को वितरित किया गया। यह इतलाब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और तटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़ौद की विशेष कामकाजी बैठक संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज मेला ग्राउंड मांगलिक भवन बड़ौद में संपन्न हुई। बैठक में अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी संतोष गोयल, जिला मंत्री रवब चंजैन, तमाबाई जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह परिहार, चंद्रेश शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन लखवंशी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि लाल सिंह राजपूत उपस्थित हुआ। बैठक में अतिथियों के द्वारा बताया गया कि आने वाली 26 फरवरी को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सामूहिक रूप से सुना जाए और कार्यक्रम के फोटो संगठन ऐप पर अपलोड किए जाएं। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी और खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे, आ दूर देश रहे मामला अब जाओ, साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे, हाँ गहरी गहरी माहें बीन बजाई बन जा रहा हूँ, छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे, बन जा रहा रे।